नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ्स का पेपर कोड 953। तो आइए करते हैं पहला सवाल। 2000 से 7000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग तथा घन दोनों हैं? अब हम जानते हैं कि 12 का होल क्यूब वह होता है 1728, और इसी प्रकार 20 का होल क्यूब वह होता है 8000, अर्थात 13 का होल क्यूब से लेकर 19 के होल क्यूब तक हमें क्यूब्स फाइंड करने होंगे। तो 13 का होल क्यूब यह होता है 2197, इसी प्रकार 14 होल क्यूब वह होता है 2744, तो 15 का होल क्यूब यह होता है 3375, 16 होल क्यूब यह होता है 4096, 17 होल क्यूब यह होता है 4913, 18 होल क्यूब यह होता है 5832, 19 का होल क्यूब अंत में वह होता है 6859। अब देखिए कि सभी नंबर्स यह हैं क्यूब्स जो 2000 से 7000 के बीच में आएंगे, परफेक्ट क्यूब्स। इनमें से मात्र 16 का होल क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं 4×4 का होल क्यूब, या फिर 4×4×4 होल स्क्वायर, अर्थात 64 का होल स्क्वायर, यह एकमात्र ऐसा नंबर है 4096 जो कि परफेक्ट क्यूब भी है, 16 का होल क्यूब और 64 का होल स्क्वायर भी है। तो हमारा उत्तर होगा कि 2000 से 7000 के बीच में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तीन पुरुष अथवा चार महिलाएं एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब आप देखिए, तीन पुरुष और चार महिलाएं अलग अलग मिलकर 120 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, तो तीन पुरुष चार महिलाओं के बराबर है एक तरह से। अब 12 पुरुष हैं और 16 महिलाएं हैं, तो तीन पुरुष चार महिलाओं के बराबर हैं, तो 12 पुरुष होंगे 3×4 = 12, तो 4×4 = 16 महिलाओं के बराबर। इस प्रकार टोटल हमारे पास 12 पुरुष 16 महिलाएं, और 12 पुरुष 16 महिलाओं के बराबर थी, तो अर्थात जो ग्रुप है वह एक तरह से 32 महिलाओं का है। मान लेते हैं कि वह x दिनों में पूरे कार्य को पूरा करेंगे, और हमें दिया गया था कि चार महिलाएं उसी कार्य को 120 दिनों में पूरा करती हैं। जब इसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे काटेगा 8 पर, x का मान आता है 120/8, अर्थात 15 दिन। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि एक अर्धगोले का व्यास डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? हम जानते हैं कि वॉल्यूम एक हेमिस्फेयर का वह होता है 2/3 πr³, यह हो जाएगा 2/3 × π, 22/7 × r का होल क्यूब, डायमीटर है 21, तो रेडियस हो जाएगा 21/2 का होल क्यूब, यानी 21/2 × 21/2 × 21/2, 7×3 = 21, 21 से 21 कट गया, 2 से 2, 2 इसे काटेगा 11 पर, तो यह सॉल्व कर आता है 4851/2, जो कि होता है 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 20% तथा 12% के दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 16,886 रुपयों में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस क्या रहा होगा? हम जानते हैं कि जब भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट m और n% दिए जाएं, तो नेट डिस्काउंट होता है m+n − m × n, वह 100। इस प्रकार नेट डिस्काउंट होगा 20+12 − 20×12, 240/100, तो यह निकल कर आया 32 − 2.4, अर्थात 29.6%। यदि 29.6% का डिस्काउंट दे दिया गया, इसका मतलब 100 − 29.6, यानी कि 79.4% मार्क्ड प्राइस का वह सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, जो कि है 16,896। यदि हम डेसिमल हटा दें, यह इसे पूरी तरह से काटेगा 24 पर, तो मार्क्ड प्राइस होगा 24×1000, अर्थात 24,000 रुपये। तुम्हारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तीन धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है, समान दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? अब क्योंकि दूरी समान है, जो टाइम का रेशो होगा t1:t2:t3, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, वह होगा 1/S1 / 1/S2 / 1/S3, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्योंकि टाइम
कॉन्स्टेंट है, सेम है तीनों के लिए, तो टाइम होगा वन अप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय एस। तो इस प्रकार टाइम का रेशियो होगा वन ओवर थ्री रेशियो वन ओवर फोर रेशियो वन ओवर सिक्स। ये जब इसे हम सॉल्व करें, यदि हम डिनोमिनेटर 12 बना दें हर टर्म का, तो यह होगा थ्री फोर ज़ा तो फोर ज़ा, फोर थ्री ज़ा सिक्स, टू ज़ा 12 से 12 कट जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो होगा तीनों धावकों के लिए वह होगा 4:3:2, जो कि है हमारा आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक मैच में 7 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 53 है। यदि 6 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन 121, 40, 26, 56, 37 और 48 हैं, तो सातवें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे? आप देखिए, सातों खिलाड़ियों के द्वारा जो कुल रन बनाए गए उनका औसत था 53। जो टोटल रन बनाए गए होंगे सातों खिलाड़ियों द्वारा वह होंगे 53 × 7 यानी कि 371 रन्स। अब 6 खिलाड़ियों ने टोटल रन बनाए, 121 प्लस 40 प्लस 26 प्लस 56 प्लस 37 प्लस 48, जो कि निकल कर आते हैं 328। मान लेते हैं सातवें ने बनाए x, तो यह होंगे 371 के बराबर। यहाँ से हमें x मिला 371 माइनस 328, जो कि होता है 43 रन्स के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 रुपयों में खरीदता है तथा 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह साइकिल को 3520 रुपयों में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब देखिए, जो कॉस्ट प्राइस होगी वह होगी लागत मूल्य 2700 प्लस जो उसके रिपेयर में कॉस्ट आई मरम्मत में 500 रुपये, तो टोटल कॉस्ट प्राइस होगी 3200 रुपये। और जो सेलिंग प्राइस है बिक्री मूल्य वह है 3520 रुपये। तो इस प्रकार क्लियरली मोहित को इस पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 3520 माइनस 3200 अर्थात 320 रुपये का मुनाफा। तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा वह होगा प्रॉफिट 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस 3200 गुणा में 100। तो क्लियरली यह होगा 10% के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे? तो आप देखिए, 24 रुपये थी कीमत, उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 36 रुपये। तो क्लियरली जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ प्राइस में वह होगा 36 माइनस 24 बटे 24 गुणा में 100। यह 12 इसे काटेगा 2 पर, तो 50% तो प्राइस में हो गई है वृद्धि। जो प्राइस में वृद्धि हुई है वह है 50%। और हम जानते हैं कि यदि प्राइस x प्रतिशत बढ़ जाए तो जो कंजम्पशन है हमारा वह हमें डिक्रीज करना होता है। यदि प्राइस x प्रतिशत से बढ़ जाए कितना? 100 बटे 100 प्लस x गुणा में x। यह तब है जब हमें पूरा एक्सपेंडिचर सेम रखना हो और प्राइस बढ़ जाए, तो कंजम्पशन हम डिक्रीज करेंगे बाय 100 बाय 100 प्लस x इंटू x। यहाँ पर x है जो परसेंटेज राइज हुआ प्राइस में। तो इस प्रकार हमें मिला 100 अपॉन 100 प्लस x यानी 150 गुणा में 50। 50 से काटेगा 3 पर, तो यह आया 100/3 अर्थात 33.33%। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी एक कार से 20% तेज चलती है, दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर आरंभ करते हैं तथा 150 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 30 मिनट लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? एक है ट्रेन और एक है कार। मान लेते हैं कि कार की गति थी x, तो ट्रेन की गति रेलगाड़ी कार से 20% ज़्यादा है, तो ट्रेन की जो गति होगी वह होगी 120% कार की स्पीड x। ट्रेन की स्पीड होगी 6/5x। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है, जो टाइम लिया गया होगा ट्रेन द्वारा वह होगा डिस्टेंस 180 बटे में स्पीड, और ट्रेन की स्पीड है 6x/5 तो इंटू 5। यह निकल कर आता है जब हम सॉल्व करेंगे 150 बटे एक्स आवर्स के बराबर। अब प्रश्न में दिया गया है कि स्टेशनों पर रुकने के लिए रेलगाड़ी 30 मिनट लेती है, तो जो टाइम कार ने लिया होगा वह होगा जितना समय ट्रेन ने लिया, 150 बटे एक्स प्लस में यह आधा घंटा 30 मिनट। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 2x, तो यह आएगा 300 प्लस में एक्स। तो कार तो ले रही है 300 प्लस x बाय 2x आवर्स, और इस समय में वह 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है,
तो यह होगी डिस्टेंस 180 बटे स्पीड ऑफ कार जो कि है x, तो x से x कट जाएगा, तो यह हमें मिला 300 प्लस x बराबर 180 दुनी 360, x का मान होगा 360 माइनस 300 यानी कि 60। तो जो कार की स्पीड थी x वह थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, परंतु हमें तो चाहिए रेलगाड़ी की गति जो कि होगी 6/5x के बराबर। यह होगी 6/5 गुणा में 60 अर्थात 12 × 6 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 720 रुपये की राशि 1.5 वर्षों में साधारण ब्याज से 882 रुपये हो जाती है, कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि समान दर से 1040 रुपये हो जाएगी। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वह होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस प्रकार पहले केस जिसमें 720 की राशि 1.5 वर्षों में 882 रुपये होगी, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 882 माइनस 720 अर्थात 162 रुपये। यह होगा प्रिंसिपल 720 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इंटू टाइम 1.5 वर्ष यानी 1.5 बटे में 100। जब हम डेसिमल्स हटाएंगे यह निकल कर आता है 5 × 15 तो यह जाएगा 20 पर, और इसे जब हम सॉल्व करें 4 × 5 और यह जाएगा हमारा 30 4 × 5 और यह जाएगा 18 पर। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं यह जाएगा 6 × 3 = 18 पर, और यह निकल जाएगा पूरी तरह से 6 × 3 = 27 से 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5 × 3 = 15% के बराबर। अब हमें बताना है कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 1040 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कमाया हमने 1040 माइनस 800 240 रुपये, और यह होगा पी 800 गुणा रेट 15% सेम दर गुणा टाइम टी बटे में 100। तो यह निकल कर आएगा टाइम बराबर 240 बटे 8 गुणा 15 120, तो यह होगा 2 वर्षों के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि x बाय वाई की पावर a माइनस 4 बराबर है y बाय x की पावर 2a माइनस 5 तो x और y के बीच में क्या संबंध होगा। अब आप देखिए x बाय वाई की होल पावर a माइनस 4 बराबर है y बाय x, तो इसे हम लिख सकते हैं x बाय वाई की होल पावर माइनस ऑफ 2a माइनस 5 यानी 5 माइनस 2a। ये हम जानते हैं x की पावर माइनस m, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय x की पावर m। तो क्योंकि बेसिस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर लेंगे, यह निकल कर आया a माइनस 4 बराबर 5 माइनस 2a, या फिर हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2a यानी 3a बराबर 5 प्लस 4 9। तो a का मान निकल कर आया 9/3 अर्थात 3 के बराबर। जब हम a का मान गिवन एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमें मिला x बाय वाई की पावर 3 माइनस 4 माइनस 1 बराबर y बाय एक्स की होल पावर 2a यानी 3 × 6 माइनस 5 1 के बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं y बाय एक्स की x की पावर माइनस m 1/x की पावर m होता है, तो y बाय एक्स बराबर y बाय एक्स। तो यहाँ से हमें मिला कि a की वैल्यू 3 जो कि हमारे पास आई, उसे यदि हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो LHS इक्वल टू RHS आया, परंतु x और y के बीच में कोई भी संबंध हम स्थापित नहीं कर पाए। कि यदि हम x और y बराबर भी मान लें तब भी यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और यदि हम x को 2 मान लें और y को 3 तब भी सेटिस्फाई हो रही है। इस प्रकार इनफाइनाइट वैल्यूज हैं x और y की, तो कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हम। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि x प्लस 1/x 3 के बराबर है तो दी गई एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। यदि हम इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यह बन जाएगा x की पावर 4/x² यानी x स्क्वायर प्लस 5x³/x² यानी 5x प्लस 3x² / x² यानी 3 प्लस 5x/x² यानी 5/x प्लस 1/x² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन जाएगा x² प्लस 1/x². अब आप देखिए x प्लस 1/x का मान दिया गया है 3, यदि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें यह बन जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 3² 9। यहाँ से मिला x² प्लस 1/x² होगा 9 माइनस 2 7 के बराबर। यदि हम इसकी वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में पुट करें यह बन जाएगा x² प्लस 1/x², इसका मान तो होगा 7 प्लस 5 गुणा x प्लस 1/x यानी कि 5 × 3 क्योंकि तो x प्लस 1/x का मान है 3 प्लस में 3 बटे में x² प्लस 1/x² यानी 7। तो यह निकल कर आया 7 प्लस 15 प्लस 3 बटे में 7
अर्थात 25 बटे 7 के बराबर, जो कि है हमारा आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि 3a माइनस 3 बाई ए माइनस 3 शून्य के बराबर है तो ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 2 का मान क्या होगा। तो आप देखिए 3a माइनस 3 बाई ए 3 के बराबर है, यदि हम 3 को कट कर दें यहाँ से तो हमें मिलेगा a माइनस 1 बाई ए 1 के बराबर। तो इस प्रकार यदि हम क्यूबिंग बोथ साइड कर दें तो यह एक्सप्रेशन बन जाएगी ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 3a इंटू 1 बाई ए यानी 1 इंटू ए माइनस 1 बाई ए, यह है बराबर 1 के, बराबर में 1 का होल क्यूब 1। यहाँ से मिला ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब बराबर 1 प्लस 3 यानी कि 4। अब हमें चाहिए ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब प्लस 2, तो यदि हम प्लस 2 बोथ साइड कर दें तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का मान हमें मिला 6 के बराबर, जो कि है हमारा आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि गिवन एक्सप्रेशन 194 के बराबर है तो x का मान क्या होगा। यदि हम डिनोमिनेटर देखें दोनों एक्सप्रेशन के तो वह एक तरह से a प्लस बी और एक है a माइनस बी के बराबर। तो यदि हम एलसीएम ले लें यह बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर बन जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यह बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इस प्रकार न्यूमरेटर बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इस एक्सप्रेशन को यदि हम सॉल्व करें तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ब्रैकेट हटाए यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो डिनोमिनेटर में हमें मिला सिर्फ 1, और यह एक्सप्रेशन 194 के बराबर है। तो 2 इसे पूरी तरह से काटेगा 97 पर, तो हमें मिला 2x स्क्वायर का मान होगा 97 प्लस 1 यानी कि 98, एक्स स्क्वायर का मान मिला 49, तो x होगा अंडर रूट ऑफ 49 अर्थात 7 के बराबर, जो कि है हमारा आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन एंड ए डी इज हाफ ऑफ बी सी। तो ए डी मध्यिका है दी गई है और ए डी हाफ ऑफ बी सी है। यदि ए सी डी 40 डिग्री के बराबर है तो एंगल डी ए बी का मान डिग्री में क्या होगा। एक ट्राइंगल हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार कि ए डी वह है मध्यिका यानी कि मीडियन। तो क्योंकि यह मीडियन है तो बी डी और सी डी ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए, मान लेते हैं कि ये दोनों x के बराबर है। ए डी दिया गया है हाफ ऑफ बी सी यानी हाफ ऑफ बी सी अर्थात 2x, तो ए डी का मान भी x के बराबर है अर्थात यह तीनों साइड ए डी बी डी और सी डी तीनों आपस में बराबर है। एंगल ए सी डी एंगल ए सी डी यह कोण दिया गया है 40 डिग्री के बराबर, हमें मान ज्ञात करना है बी ए डी का डी ए बी सॉरी अर्थात यह कोण। अब आप देखिए त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में ए डी और सी डी यह दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स यानी एंगल ए सी डी और एंगल सी ए डी यह छोटा कोण यह दोनों बराबर होंगे 40 डिग्री। और इसी प्रकार ट्राइंगल ए डी बी में भी दो साइड्स ए डी और बी डी आपस में बराबर हैं, तो मान लेते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे एंगल डी बी ए और एंगल डी ए बी जिसका मान हमें ज्ञात करना है वह दोनों है वाई डिग्री के बराबर, मान लेते हैं कि यह भी वाई है और यह भी वाई। अब त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा, तो यह होगा 40 प्लस 40 प्लस वाई 40 प्लस 40 प्लस वाई प्लस वाई यानी 2y बराबर 180 डिग्री। यहाँ से मिला 2y का मान होगा 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 40 80 अर्थात 100 डिग्री, तो y का मान होगा 100 बटे 2 यानी कि 50 डिग्री, और y हमने माना था एंगल डी ए बी जिसका मान हमें ज्ञात करना था तो वह होगा 50 डिग्री के बराबर, तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर सी। अगला प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर ओ है। यदि एंगल बी ए सी 75 डिग्री है तथा बी सी एस 80 डिग्री तो ओ ए सी का मान डिग्री में क्या होगा। एक ट्राइंगल हमें दिया गया है ए बी सी, यह एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओ है ऑर्थो सेंटर सॉरी सर्कम सेंटर। तो क्योंकि ओ सर्कम सेंटर है तो ओ को सेंटर मानकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ए बी सी को सर्कमस्क्राइब करेगा। अब
प्रश्न में दिया गया है कि एंगल बी ए सी यह कोण है 75 डिग्री के बराबर। तो क्योंकि एंगल बी ए सी 75 डिग्री है तो जो एंगल कोण बी सी सब्सटेंड करेगा सेंटर पर वह बी ए सी का डबल होगा यानी 75 टू जा 150 डिग्री। अब एंगल बी सी ए यह कोण यह दिया गया है 80 डिग्री। तो जो कोण एंगल कोण बी ए ए बी सब्सटेंड करेगा सेंटर ओ पर यानी कि एंगल ए ओ बी वह होगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी यानी 82 या 160 डिग्री। तो अंत में जो कोण बचा एंगल ए ओ सी सेंटर वाला वह होगा 360 डिग्री माइनस 150 प्लस 160 310 डिग्री अर्थात 50 डिग्री के बराबर। तो यह कोण होगा 50 डिग्री। अब आप देखिए ट्राइंगल ए ओ सी में एक कोण तो है 50 डिग्री का एंगल ए ओ सी और इसी ट्राइंगल में ए ओ साइड बराबर है सी ओ साइड की क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं। तो इस प्रकार एंगल ओ ए सी बराबर होगा एंगल ओ सी ए के और यह होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ सी 50 डिग्री बाय 2 क्योंकि एक कोण में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और एक कोण है 50। तो बचे हुए दोनों कोण क्योंकि वह इक्वल हैं वह बराबर होंगे 180 माइनस 50 बटे 2 अर्थात 130 बटे 2 65 डिग्री के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर हो। हम जानते हैं कि एक रोम्बस में 4 टाइम्स उसकी साइड का स्क्वायर बराबर होता है डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर यानी डायगनल्स के होल स्क्वायर का सम। अब इस रोम्बस में जो साइड है वह है 4 के बराबर और वह छोटे विकर्ण यानी स्मॉल डायगनल डी वन के बराबर है। जब हम यह वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिला 4 इंटू ए स्क्वायर यानी 4 इंटू फोर होल स्क्वायर बराबर होगा डी वन स्क्वायर फोर होल स्क्वायर प्लस डी टू होल स्क्वायर। तो डी टू का होल स्क्वायर यानी बड़े डायगनल का जो होल स्क्वायर होगा वह होगा 4 का होल क्यूब यानी 64 माइनस 4 होल स्क्वायर 16 48। तो डी टू वह होगा अंडर रूट 48 यानी कि 4√3 सेंटीमीटर के बराबर। और जो हमें चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण यानी डी टू के बराबर हो तो उसकी एरिया होगी उस त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर। यह निकल कर आया √3/4 इंटू 4√3 का होल स्क्वायर 48। 4 इसे काटेगा 12 पर तो यह निकल कर आया 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में MN, RM और RP बराबर है तो एंगल MPR का मान क्या होगा। हमें ज्ञात करना है MPR यह कोण। मान लेते हैं यह X है क्योंकि त्रिभुज MPR में RP और RM दोनों बराबर हैं तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। मान लेते हैं कि यह दोनों कोण हैं X के बराबर। सिमिलरली ट्राइंगल RMN में RM और MN प्रश्न में दिया गया है बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। मान लेते हैं कि यह Y के बराबर है। तो अब देखिए त्रिभुज RMN में एंगल RMP जो कि है X वह एक्सटर्नल एंगल है तो वह बराबर होगा इंटरनल एंगल्स जो हैं उसके दो इंटीरियर एंगल्स उनके सम के बराबर जो कि है वाई और वाई। तो एक्स हमारा 2y के बराबर है। इस प्रकार अब इस ट्राइंगल आर पी एन में एक्सटर्नल एंगल जो कि है 102 डिग्री वह बराबर होगा सम ऑफ बोथ द इंटीरियर एंगल्स जो कि है एंगल आर पी एन अर्थात एक्स प्लस एंगल आर एन पी जो कि है वाई और एक्स है 2y के बराबर। तो यह होगा 2y प्लस वाई अर्थात 3y बराबर 102 डिग्री। तो y का मान होगा 102 बटे में 3 अर्थात 34 डिग्री। तो x का मान यानी एंगल RMP वह होगा 34 टू 68 डिग्री और x हमने माना था एंगल RPM जो कि हमें फाइंड करना था MPR जो कि RMP भी है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का सरलतम मान क्या होगा। इसे हम लिख सकते हैं cos a प्लस साइन ए इंटू cot a होता है cos a अपॉन साइन ए प्लस tan a जो कि होता है साइन ए अपॉन cos a।
तो यदि हम इसे सॉल्व करें तो यह बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू, यदि हम इस एक्सप्रेशन का एलसीएम ले लें साइन ए कॉस ए, तो न्यूमरेटर में मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि होता है एक के बराबर। तो इस प्रकार यह एक्सप्रेशन बनी कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन ए। यदि हम ईच टर्म को सेपरेटली डिवाइड करें कॉस ए साइन ए से, यह बन जाती है वन अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए। अब आप देखिए वन अपॉन कॉस ए यह होता है सीकेंट ए, प्लस वन अपॉन साइन ए यह होता है कोसेक ए के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का सरलतम मान क्या होगा? तो यदि हम इसे ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में यह एक तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, एलसीएम ले लें इनका, यह बन गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन, यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस वन, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए। तो माइनस कोसेक ए से प्लस कोसेक ए कट जाएगा, तो यह निकल कर आया अंडर रूट ऑफ टू कोसेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन जो कि होता है कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो यह वैल्यू होगी अंडर रूट टू इंटू कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। यदि हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो यह बन जाएगा रूट टू इंटू कोसेक ए जो कि होता है वन ओवर साइन ए इंटू वन बाय कॉट ए, यानी कि टेंजेंट ए जो कि होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए से कॉस ए, साइन ए से साइन ए कट गया, तो यह निकल कर आया रूट टू बाय कॉस ए, यानी रूट टू सीकेंट ए के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि टू सीकेंट टू कॉस ए टू माइनस साइन ए के बराबर है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? यदि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें यह बन जाएगा टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी फोर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टू माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि टू का होल स्क्वायर फोर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू इंटू टू साइन थीटा, यानी कि फोर साइन थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यह बन जाएगा फोर इंटू वन, यानी फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा बराबर फोर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा। फोर से फोर कट गया, यह निकल कर आया फाइव साइन स्क्वायर थीटा बराबर फोर साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो अंत में हमें मिला साइन थीटा बराबर फोर बाय फाइव। तो यदि हम इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में डिपिक्ट करें, यदि यह थीटा है तो परपेंडिकुलर होगा फोर, हाइपोटेनस होगा फाइव, तो बेस होगा तीन के बराबर। तो इस प्रकार कॉस थीटा का मान हमें मिला बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि थ्री बाय फाइव। अब प्रश्न में कॉस थीटा का मान तीन बटे पाँच दो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो आप देखिए यदि कॉस थीटा एक के बराबर है, कॉस थीटा बराबर एक, तो साइन थीटा होगा शून्य के बराबर, क्योंकि कॉस थीटा वन होता है जब थीटा जीरो डिग्री हो, और जीरो डिग्री पे साइन थीटा जीरो के बराबर होगा। जब हम इस वैल्यू को गिवन एक्सप्रेशन में पुट करें तो यह बन जाएगा टू इंटू कॉस थीटा यानी टू बराबर टू माइनस साइन थीटा जीरो, तो यह बराबर आया। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इस डाटा पर बेस्ड है। इस डाटा में बताया गया है कि वर्ष पाँच वर्षों में जो एक्सपोर्ट यानी निर्यात और इम्पोर्ट आयात, निर्यात और आयात का रेशियो क्या था, और कुल व्यापार जो है वह आयात प्लस निर्यात के बराबर होता है। यदि देश वर्ष तीसरे वर्ष में कुल व्यापार 1183 करोड़ डॉलर का था तो उसी वर्ष देश के आयात तथा निर्यात के बीच का अंतर डॉलर्स में कितना था, करोड़ डॉलर्स में सॉरी। तो तीसरे वर्ष यानी कि इस वर्ष में कुल व्यापार जो था वह था 1183। तो जो डिफरेंस होगा एक्सपोर्ट रेशो इम्पोर्ट वह है 4:3, तो अर्थात यदि एक्सपोर्ट 4 यूनिट था तो इम्पोर्ट था 3 यूनिट, तो उनके बीच का डिफरेंस होगा 4 - 3/7 गुणा में टोटल, यानी कि 1183। 7 से पूरी तरह से काटेगा 169 पर, यह आया 1 × 169 यानी कि 169 करोड़ डॉलर्स के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वर्ष दो तथा वर्ष चार का कुल व्यापार समान है, दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का कुल व्यापार समान है, यदि वर्ष
चौथे वर्ष में सॉरी का निर्यात 315 करोड़, यानी एक्सपोर्ट चौथे वर्ष में 315 करोड़ डॉलर्स था, तो वर्ष दो का आयात यानी कि इम्पोर्ट करोड़ डॉलर्स में कितना होगा? यदि चौथे वर्ष में जो एक्सपोर्ट है वह दिया गया है 315 करोड़ डॉलर, तो आप देखिए चौथे वर्ष में जो एक्सपोर्ट था वह था 5 और इम्पोर्ट था 8, तो 5:8, तो टोटल जो ट्रेड रहा होगा वह किस तरह निकलेगा? जो यह 315 है एक्सपोर्ट 2000 चौथे वर्ष में, वह होगा 5/5+8 यानी कि 13 गुणा में टोटल, मान लेते हैं कि वह एक्स था, एक्स का मान मिला हमें 5 से काटेगा 63 पे, यानी कि 63 × 13 करोड़ डॉलर्स, और यह बराबर होगा कुल व्यापार दूसरे वर्ष में। अब हमें बताना है कि दूसरे वर्ष में इम्पोर्ट यानी कि यह सातवां पार्ट क्या रहा होगा। जो दूसरे वर्ष में इम्पोर्ट होगा और रेशो दिया गया है 11:7, तो इम्पोर्ट होगा 7/11+7 18 गुणा टोटल जो कि है 63 × 13। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यह निकल कर आता है 318.5 करोड़ डॉलर्स के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्ष एक का कुल व्यापार पाँचवें वर्ष के कुल व्यापार का 2 गुना है। यदि पहले वर्ष का कुल व्यापार 5,700 करोड़ डॉलर है, तो पहले वर्ष तथा पाँचवें वर्ष के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में कितना अंतर करोड़ डॉलर्स में होगा? तो आप देखिए पहले वर्ष का जो टोटल व्यापार है कुल व्यापार वह था 5,700 करोड़, और यह दूसरे वर्ष से 2 गुना होता है, तो पाँचवें वर्ष से 2 गुना, तो पाँचवें वर्ष में कुल व्यापार रहा होगा 5,700/2 यानी कि 2,850। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स इन ईयर 1 और ईयर 5। तो फर्स्ट ईयर में जो एक्सपोर्ट रहा होगा एक्सपोर्ट वह होगा 10/10+9 = 19 टोटल ट्रेड जो कि है 5,700, तो यह निकल कर आया 300 × 10 यानी कि 3,000 करोड़ डॉलर्स। और पाँचवें वर्ष में जो टोटल एक्सपोर्ट होगा वह होगा 12/12+13 = 25 में टोटल ट्रेड जो कि है 2,850, 25 से पूरी तरह से काटेगा 114 पर, तो यह निकल कर आया 1,368। तो इन दोनों के बीच का अंतर वह होगा 3,000 - 1,368 अर्थात 1,662 करोड़ डॉलर्स। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 5 वर्षों का कुल व्यापार क्रमशः 3,800, 3,600, 2,800, 3,900 और 5,000 करोड़ डॉलर है। क्रमशः औसत निर्यात और औसतन आयात में कितना अंतर करोड़ डॉलर में है? अब हर वर्ष का जो टोटल ट्रेड है यानी कि कुल व्यापार वह दिया गया है 3,800, फिर 3,600, फिर 2,800, फिर 3,900 और अंत में पाँचवें वर्ष का था 5,000 करोड़। अब आप देखिए पहले वर्ष में निर्यात और आयात यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशो था 10:9, अर्थात यदि 10 है एक्सपोर्ट तो 9 रहा होगा इम्पोर्ट, तो टोटल रहे 10+9 = 19, तो पर यूनिट जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ उसकी वैल्यू होगी 3,800 × 10+9 = 19 यानी कि 200 करोड़ डॉलर्स। और इसी तरह दूसरे वर्ष में एक यूनिट की वैल्यू होगी 3,600 × 11+7 यानी कि 18 या आया 200। तीसरे वर्ष की रहेगी 2,800 × 4+3 = 700। चौथे वर्ष की रहेगी 3,900 × 5+8 = 13 300 करोड़ डॉलर। और अंत में पाँचवें वर्ष की रहेगी 5,000 × 12+13 = 25 200 करोड़ डॉलर्स। अब हमें बताना है एवरेज एक्सपोर्ट और एवरेज इम्पोर्ट का डिफरेंस। तो हमें पर यूनिट की वैल्यू पता है, तो इस प्रकार हम पाँच वर्ष के लिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस बता सकते हैं। अब पहले वर्ष में जो डिफरेंस आएगा, एक्सपोर्ट रेशो इम्पोर्ट है 10:9, अर्थात एक्सपोर्ट था 10 यूनिट तो इम्पोर्ट रहा होगा 9 यूनिट, तो उनका डिफरेंस होगा 1 यूनिट के बराबर, और 1 यूनिट का मान है पहले वर्ष के लिए 200। एक्सपोर्ट ज़्यादा है, दूसरे वर्ष में भी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, कितने यूनिट से? 11 - 7 = 4, उसका मान होगा 200 × 4 = 800 यूनिट। प्लस तीसरे वर्ष में भी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, 4 - 3 = 1 और 1 यूनिट का मान है 400, तो प्लस में 400। अब चौथे वर्ष में एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा, तो यह होगा 8 - 5 = 3 और इसका मान होगा 300 × 3 = 900, परंतु यह माइनस का है क्योंकि इसमें इम्पोर्ट ज़्यादा है और अभी तक हम एक्सपोर्ट को कंसिडर कर रहे थे, तो -900। और अंतिम वर्ष में भी इम्पोर्ट ज़्यादा है, कितने यूनिट से? 1, 13 - 12, तो इसका मान भी होगा माइनस में 1 × 200 यूनिट, तो यह निकल कर आया 200 से 200 कट जाएगा, 800 + 400 = 1200 - 900
अर्थात 300 करोड़ डॉलर्स। तो यह तो आया है डिफरेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, हमें चाहिए एवरेज। तो इसका एवरेज होगा टोटल डिफरेंस 300 बटे नंबर ऑफ ईयर्स 5, जो कि होगा 60 करोड़ डॉलर्स के बराबर। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। धन्यवाद।